हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडर वकील। अगर आप कल का निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे, यानी कि 22 सितंबर को जो एनालिसिस करा था निफ्टी का, तो अपसाइड खेलने के लिए ये कहा गया था कि इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग की जरूरत है। ये लेवल था 19,785.86 का लेवल था, ये वाला स्विंग था। आज का देखेंगे आप तो किसी कैंडल ने इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग नहीं करी और हम कंटिन्यू डाउन साइड रहे। हमने खुद पर्सनली यहां पर निफ्टी के दो तीन ट्रेड लिए। पहला ट्रेड सिर्फ ये था, जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ था हमने यहां पर ट्रेड लिया, हम ऑल द वे आ गए थे 666, यानी कि 30-35 पॉइंट हमें मिल गए थे। 19,710 के अराउंड का ये लेवल था, तो जैसे ये ब्रेक हुआ हमने 30-35 पॉइंट ही लिए। तो निफ्टी के अंदर हमने एक ट्रेड ये ली, दूसरी ट्रेड के अंदर हमने निफ्टी के अंदर यहां पर फिबोनाची के अकॉर्डिंग काम करा। लाइव के अंदर अगर आप हमसे जुड़ते तो आपको समझ आता, इस वाले हाई से जो आज का हाई था यहां से लेके जो लो लगा था वहां तक हमने फिबोनाची लगाया था। ऑल राइट, मैं सिर्फ इतने वाले की बात कर रहा हूं। जब हम लगभग 10 बजे करीब ट्रेड कर रहे थे, जैसे ही ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई यहां तक का टारगेट, ये क्लोज हुई यहां तक का टारगेट, हमने इस पे ट्रेड लिया था। जैसे ही ये क्लोज हुई थी यहां तक का टारगेट मिला, और जैसे ही ये क्लोज हुई फिर दोबारा हमने यहां तक का टारगेट, दो ट्रेड यहां पर मिले थे। फिर तीसरी ट्रेड भी एक और मिली हमारे यहां पर, कि जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई थी 160, हमने 19,700 कॉल बाय करी थी 160 पर, अगली कैंडल में ही वो 169 पहुंच गई और हमने यहां पर बुक कर ली थी वो। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती तो हमें अच्छा खासा अपसाइड का मूव मिलता, हम इस हाई तक पहुंच सकते थे जो कि लगभग 19,842 का बन रहा था, यानी कि लगभग हम इजीली 60-70 पॉइंट यहां से चले जाते, लेकिन नहीं हुआ। फिर वापस से अब मार्केट डे लो के आसपास आ गया है। अब यहां से मार्केट के अंदर कैसे प्ले करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर आपने कल का एनालिसिस देखा हो तो वन डे चार्ट यूज कर रहे थे हम। वन डे चार्ट के अंदर यहां पर पहले इसे हटाना पड़ेगा, एक सेकंड रुकना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। वन डे चार्ट के अंदर यहां से लेके यहां तक एक सीधी रैली आई थी, तो यहां पर फिबोनाची लगाना है, क्लियर कट फिबोनाची लगा यहां पर। अब देखो साफ बोला था अगर 15 मिनट की कैंडल इस वाले लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है 19,734, तो हम इजीली 19,610 तक आ जाएंगे। तो अभी हमारी चल रही है मार्केट 19,670 के अराउंड चल रही है, 666 का आज लो लगा था, और हमारा एसएल रहेगा ये वाला लेवल 852, जो कि हमारा कल का जो हाई था, कल का हाई लगभग हमारा 19,850 के अराउंड था, वो जो हाई था वो ही हमारा एसएल रहेगा, और हम 19,616-610 इजीली आ जाएंगे। मंडे को हम 19,610 तक इजीली देख लेंगे। फिर इसके बाद कैसे खेलना है, इसके बाद मुझे लगता है मार्केट थोड़ी रेंज में रहकर फिर अपसाइड शूट करेगी। 19,600 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 19,600 अगर ब्रेक होता है ना मार्केट के अंदर तो हम ऑल द वे नीचे तक आ सकते हैं, 19,233 तक भी आ सकते हैं हम, लेकिन 19,600 मुझे लगता नहीं है कि ब्रेक होगा। हो गया, इतनी बड़ी रैली थी, इसका पुल बैक बहुत जबरदस्त आया है हमें, फिबोनाची का हमारा 0.6 लेवल आ चुका है, तो 0.6 से मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होते हैं कि यहां से पलट जाए मार्केट। तो यहां से हो सकता है कि थोड़ा रेंज बाउंड होके अब जैसे ही कोई कैंडल 7:30 के ऊपर वापस से क्लोज हो जाए, 15 मिनट की कैंडल कह रहा हूं मैं, 15 मिनट की कैंडल जैसे ही वापस से इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो वापस से बाइंग बनेगी और सीधा आप 19,852 तक आ जाएंगे, और फिर आपके पास यहां पर लेवल क्लियर कट दिख ही जाएंगे 5 मिनट के चार्ट पे जो यहां से दिखेंगे। दोबारा से मैं एक और बार बना देता हूं, फिर यहां से आपको क्लियर कट पूरे लेवल दिख जाएंगे, वो मैं अभी बताता हूं कैसे कैसे प्ले करना है। अभी देखो 19,663 आ गया, 3 बज चुके हैं मार्केट में, ये 19,610 के अराउंड आ जाएगा इजीली, मंडे को आ जाएगा 19,610 के अराउंड, और ये जो लेवल है ठीक है सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं। इसके ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होगी 790, बेसिकली 734 वहां पर दिखा रहा है हमारा पहला लेवल, उसके ऊपर जैसे ही क्लोज होंगे हम 734 कहीं यहां पर निकल के आ रहा है ये लेवल, ठीक है 734 जैसे ही क्लोज होंगे हम सबसे पहले आएंगे यहां पर 790 के अराउंड आ जाएंगे। 790 के अराउंड जैसे ही क्लोज होंगे हम इस हाई पर आ जाएंगे जो कि 850 का हाई है, और 850 के ऊपर हम जाएंगे जैसे ही तो हम इस गैप को फिल कर देंगे जो कि 900 का 19,900 का ही है। अब इसके बाद मेजर आपको अपसाइड दोबारा से रैली देखने को मिलेगी 20,050 के ऊपर, ठीक है वो मैं आपको बताता हूं कैसे। ये जो लेवल है यहां पे हमें गैप डाउन जो देखने को मिला था, तो 20,050 के करीब का ये लेवल है, ये जैसे ही ब्रेक होगा तो हम दोबारा से कंसिडर कर सकते हैं कि अब हम दोबारा ऑल टाइम हाई के लिए जा रहे हैं, यानी कि जो 20,200 का हाई लगा था इस बार हम उसे ब्रेक करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही 20,050 के ऊपर हमें 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है, सबसे पहले गैप फिल करेंगे ऑल द वे सीधा 120 तक आ जाएंगे, 20,120 70 पॉइंट मिलेंगे, और उसके बाद हम सीधा 20,200 की तरफ निकल जाएंगे और फिर उससे भी आगे हम फर्दर जाएंगे। तो ऐसे करके आप प्ले करेंगे। अभी
डाउनसाइड बिल्कुल अभी प्ले नहीं करना, 19,600 तक आने दो मार्केट को, 600 के बाद रिवर्सल कैंडल मिलती है तो ठीक, हमें लगभग रिवर्सल कैंडल 19,730 के अराउंड मिलनी चाहिए, वहां से हम अपसाइड प्ले करेंगे। डाउनसाइड फर्दर प्ले करेंगे अगर हमें डेली बेसिस पर 19,600 के नीचे कैंडल क्लोजिंग मिलती है, डेली बेसिस कह रहा हूं मैं, यानी कि वन डे कैंडल 19,600 के नीचे क्लोज होनी चाहिए, तभी हम लंबा डाउनसाइड खेल सकते हैं, हम 19,200 भी आ सकते हैं, इस हिसाब से आप प्ले कर सकते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं, हम रोज सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक लाइव रहते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो वहां पे डेली हम निफ्टी बैंक निफ्टी की 3-4 ट्रेड्स इजीली निकालते हैं, स्टॉक्स की ट्रेड्स होती हैं बैंक और हमारे स्टॉक के ऑप्शन की ट्रेड होती है, काफी सारी ट्रेड्स होती हैं, तो लाइव में जुड़ सकते हैं और कुछ भी पूछना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें सो डैट जब भी हम लाइव आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।